नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। आप जानेंगे खबर संपूर्ण संथाल परगना से। जिला गोड्डा के पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र अंतर्गत हरियारी गांव के बनाचल ग्रामीण बैंक में किसान कर्ज माफी को लेकर हुआ हंगामा। यहां स्थानीय किसानों ने किया चक्का जाम। तो आइए जानते हैं पूरा मामला। चक्का जाम का मुख्य कारण किसान के कर्ज माफी को सामने लेकर आया है, जिसमें बिना किसी पूर्व सूचना के बैंक के अधिकारी किसानों के लोन माफी कागज को लेने में अस्वीकार कर दिए। ग्रामीणों के किसानों के कहने पर बैंक के अधिकारी ने ऊपर से आदेश है बोलकर अस्वीकार कर दिया, जिससे ग्रामीण किसान आक्रोश में आ गए और चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस प्रशासन ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर ग्रामीण किसानों को समझा बुझाकर अगले निर्देश का आश्वासन देते हुए मामला को शांत कराया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी ने भटौंदा के सीधो कानू में किया माल्यार्पण। सरकार की छवि धूमिल करने को अस्तरहीन बयानबाजी कर रहे हैं बाबूलाल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बाबूलाल मरांडी द्वारा यौन उत्पीड़न के मामले में इस्तीफा मांगे जाने पर रविवार को झामुमो ने पलटवार करते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी पहले अपने गिरेबा में झांक कर देखे। झामुमो की ओर से ये बातें राजमहल के सांसद विजय हांसदा और केंद्रीय महासचिव सुदीप्य सोनू ने कही। विधवा की फरियाद सुन मुख्यमंत्री ने डीसी से कहा, सीएसपी संचालक को 24 घंटे में उठवाइए और 100 डंडे लगवाइए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को अपने खिजुरिया आवास पर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान दुमका के दो मुहानी गांव की विधवा सनी सोरेन ने शिकायत की कि कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी संचालक साधु मिर्धा ने फर्जी ढंग से अंगूठा लगाकर 10,000 रुपए हड़प लिया। मेरे पैसे दिलवा दीजिए। मुख्यमंत्री ने दुमका डीसी बी राजेश्वरी को आदेश दिया कि सीएससी संचालक को 24 घंटे के अंदर उठवाइए और 100 से 150 डंडे लगवाइए और उस पर सख्त कार्रवाई कीजिए। स्टैंड कर्मी बन करते थे छिनतई, पुलिस ने धर दबोचा। दुमका नगर थाना की पुलिस ने बस स्टैंड में गढ़वा के युवक से 2,000 रुपया और मोबाइल की छिनतई करने वाले तीनों आरोपितों को रविवार को जेल भेज दिया। दूसरी घटनाओं में उनकी संलिप्तता को लेकर पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। गिरफ्तार युवकों में मोहम्मद इसराफिल अंसारी व मोहम्मद एजाज जरू डवाडी व छोटू आलम उर्फ नेपाली डंगालपाड़ा मस्जिद गली का रहने वाला है। भाजपा विधायक दल के नेता और झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार और अराजकता का माहौल। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने झामुमो की सरकार को ठग बंधन की सरकार बताई। कहा कि इस सरकार में 11 महीने में दुष्कर्म के 1500 मामले सामने आए हैं। राज्य में भ्रष्टाचार और अराजकता का माहौल बना है। अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मरांडी रविवार को रतनपुर गाँव के मैदान में भाजपा के जिला स्तरीय जनजातीय कार्यकर्ता सम्मेलन का संबोधित कर रहे थे। सुपर थ्री में धमाका टीम की हुई एक तरफा जीत। गोड्डा जिला क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित बी डिवीजन क्रिकेट लीग में राजेंद्र स्टेडियम महागावा में सुपर थ्री का पहला मुकाबला खेला गया। यह धमाका क्रिकेट क्लब ने स्पोर्टेन 11 महागामा को 103 रन से पराजित कर दिया। बल्लेबाजी करते हुए धमाका क्रिकेट क्लब ने 29 ओवर में 191 रन बनाए। आदित्य कुमार ने 39 रनों का योगदान दिया। राजकिशोर ने 30 रन बनाए। स्पोर्टेन की ओर से निरंजन मंडल ने 6 विकेट लिया। जवाबी का लक्ष्य का पीछा करने उतरी स्पोर्टेन की टीम 88 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। निरंजन ने 32 रन बनाए। धमाका टीम की ओर से अजय कुमार ने 3 विकेट लिए। सुपर थ्री के सभी मैच 35-35 के ओवर का खेला जाएगा। मौके पर डीएससीए के सचिव रंजन कुमार, आदित्य कुमार, अजीत कुमार, केशव मातो, किरणाम अंसारी, शंकर दास आदि मौजूद थे। ट्रांसपोर्टरों पर भर के जन वितरण प्रणाली दुकानदार। ठाकुर गंगटी प्रखंड क्षेत्र के वास्ता पहाड़ी स्थित सत्संग भवन परिसर के निकट रविवार को प्रखंड क्षेत्र के सभी जन वितरण दुकानदारों का जमावड़ा लगा। उन्होंने ट्रांसपोर्टर के विरुद्ध जमकर नारेबाजी जताई। जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों ने बताया कि ठाकुर गंगटी प्रखंड क्षेत्र के तमाम दुकानदारों को नवम्बर माह का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत चावल आवंटित नहीं किया गया। पॉस मशीन में कार्ड धारियों की पर्ची निकालने के क्रम
में सर्वप्रथम नवंबर माह से संबंधित 2 किलो 500 ग्राम प्रति सदस्य वजन की दर से पर्ची निकलती है। इस पर्ची के निकलने के बाद ही दिसंबर की सामान्य पर्ची निकलती है। खबर अब देवघर से। देवघर की पहचान साइबर से नहीं होगी। पुलिस कप्तान अश्विनी कुमार सिन्हा ने कहा कि किसी कीमत पर देवघर की पहचान साइबर से नहीं बनेंगे। देवघर की पहचान बाबा बैद्यनाथ से ही बनी रहेगी, ये हमारी प्राथमिकता है। सेंट्रल प्लाजा के वैंक्वेट हॉल में रविवार शाम संथाल परगना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ सीधा संवाद करते हुए एसपी ने कहा कि 3.25 महीने के दौरान साइबर आरोप में लिप्त 250 गिरफ्तारी हुई है। 22 लाख नगद, 20 महंगे वाहन और 1500 सिम बरामद किए गए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ पुलिस मेंस एसोसिएशन का मतदान। डाबर ग्राम स्थित पुलिस लाइन में रविवार को झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन पंचम महाधिवेशन चुनाव कराया गया। पूरे राज्य से जिला बल इकाई और वाहिनी के जवान अपना मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। धनबाद जिला बल के अध्यक्ष सह मुख्य चुनाव पदाधिकारी कमलेश कुमार रविवार को देखरेख में चुनाव कराया गया। मतदान को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। देवघर के चंदन के सिर पर रखा सोनू सूद ने हाथ। फिल्म अभिनेता अपनी कुशल अदाकारी और सामाजिक कार्यों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे लोगों को घर तक पहुंचाने, भूखों को खाना खिलाने, इलाज कराने में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बार शुक्रवार को उन्होंने देवघर के जरूरतमंद छात्र चंदन कुमार राय की आर्थिक मदद की। 10वीं का छात्र चंदन कुमार राय मूल रूप से सारण थाना क्षेत्र के दीवान डुमरिया गाँव का रहने वाला है। 3 वर्ष की उम्र में ही उसके सिर से पिता का साया उठ गया था। खबर पाकुड़ से। रिलायंस फ्रेश में बिकेगी पहाड़िया की उपजाई बरबट्टी। समूह की महिलाओं के द्वारा निर्मित बोरा में ही अनाज भरा जाता है। बताया कि पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़िया समुदाय द्वारा उपजाई गई बरबट्टी को खरीद कर JSLPS रिलायंस फ्रेश में बेचेगी। बोरा का उपयोग बरबट्टी भरने में भी किया जाएगा। रेल यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। पूर्व रेलवे मंडल रेल प्रबंधक हावड़ा संजय कुमार शाह ने रविवार को रेलवे स्टेशन निरीक्षण के दौरान कहा कि पाकुड़ में ट्रेनों व यात्रियों की सुविधा बेहतर किया जाएगा। कोरोना महामारी कम होने के बाद धीरे धीरे ट्रेनें पटरी पर लौट रही है। सावधानी बरतते हुए रेल सेवा का परिचालन शुरू किया जाएगा। 5 दिन बाद खदान से निकला चालक का शव। सुराईडी स्थित अजय भगत के पत्थर खदान से 5वें दिन रविवार को हाईवा चालक झिकर डाही निवासी शाकिम शेख का शव बरामद हुआ। शव बरामद होने के बाद पुलिस प्रशासन व एनडीआरएफ टीम ने राहत की सांस ली। 5 दिन पूर्व अजय भगत के पत्थर खदान में धूल भरने के दौरान चालक हाईवा के साथ खदान में गिर गया था। उसी दिन उसकी मौत हो गई थी। तारापुर के ग्रामीणों ने रविवार सुबह शव को पानी के ऊपर देखा। SDPO अजीत कुमार विमल, थाना प्रभारी अमित कुमार तिवारी के उपस्थिति में NDRF की टीम बोट के माध्यम से शव को बाहर निकाला। अब खबर जामताड़ा से। भाजपाई ने जगह जगह किया मुख्यमंत्री का पुतला दहन। खबर जामताड़ा के मिहिजाम से है। रविवार को जिले में कई जगहों पर भाजपाई समेत महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका और इस्तीफे की मांग की। बिदार पाथर में पुतला दहन के दौरान पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद झा ने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री पर मुंबई की एक युवती के साथ दुष्कर्म के आरोप लगाए जाने के बाद मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। लगातार सर्वर डाउन होने से PDS के लाभुकों को नहीं मिल रहा है अनाज। जामताड़ा जिला मुख्यालय सहित सभी प्रखंड क्षेत्रों में सर्वर की समस्या से जूझ रहे जन वितरण विक्रेता एवं उपभोक्ता। सर्वर नहीं रहने के कारण ईपॉस मशीन काम नहीं करता, जिससे उपभोक्ताओं को जन वितरण दुकान से खाद्यान्न उठाव के लिए काफी जद्दोजहद करना पड़ता है। उपभोक्ताओं को कई बार निराशा खाली हाथ घर लौटना पड़ता है, जिसका कोपभाजन जन वितरण विक्रेता को हो रहे हैं। हवन पूजन व भंडारा के साथ अनुष्ठान हुआ संपन्न। रविवार को जामताड़ा हनुमान मंदिर प्रांगण में श्री राम सीता विवाह महोत्सव को लेकर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हवन पूजन के साथ 2 दिवसीय अनुष्ठान रविवार को संपन्न हुआ।
रविवार प्रातः 10 बजे से पूजा पाठ, 11 बजे से सैकड़ों की संख्या में भक्तजनों द्वारा हवन किया गया। 12 बजे से लेकर शाम तक सभी आने वाले भक्तों के लिए भंडारा प्रसाद का वितरण किया गया। 24 घंटे का अखंड हरे राम कीर्तन सह रामायण पाठ किया गया। मौके पर कलाकारों द्वारा बड़े ही आकर्षण वेशभूषा के साथ भजन नृत्य प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के आयोजन से क्षेत्र का माहौल भक्तिमय बना रहा था। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।